देश में एनआरसी के विरोध में चल रही बयार बुरहानपुर में भी आने लगी। कल देर शाम शहर के शौकत गार्डन में एनआरसी और एनपीआर के विरोध में बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष शामिल हुए और इस कानून का विरोध कर धरना दिया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी ने कहा, जबरन थोपे हुए कानून को हम नहीं मानेंगे। हमारा देश वो देश है जिसके संविधान ने 70 सालों में अमन, शांति, समानता, भाईचारे को लेकर हमारा देश आगे बढ़ा है। हमारे देश के भाई को भाई से लड़ाने का काम ये कानून कर रहा है। ये आयोजन हम भारत के लोग, आम जनता ने मिलकर इसका आयोजन किया है। ये कानून सरकार को बताने के लिए किया गया है। इस काले कानून को सरकार वापस ले। ऐसा कानून जो देश को बांट रहा है, देश के संविधान को तोड़ने का काम कर रहा है। हमारा संविधान जो 71 साल पुराना है, बाबा साहब का संविधान है, उस संविधान को ही हम मानेंगे। यह धरना लगातार चलेगा, ऐसा विरोध में शामिल हुए आंदोलनकर्ताओं ने कहा। कानून लागू करने का काम ये मोदी सरकार कर रही है। हमारा देश वो देश है जिसके संविधान ने 70 सालों में हमारे देश में अमन, चैन, शांति, समानता, भाईचारा ये लेकर हमारा देश आज आगे बढ़ा है। आज हमारे देश को भाई से भाई को लड़ाने का काम जो ये कानून कर रहा है, तो इस काले कानून का विरोध करने के लिए, इस काले कानून को नहीं मानने का एक हमने आज यहाँ आयोजन था। और ये आयोजन हमारे भारत के लोग, कोई इसका आयोजन करता नहीं है, सब आम जनता ने मिलकर इसका आयोजन किया है। ये सरकार को बताने के लिए कि ये काला कानून आप वापस ले। ये पहला कानून है देश का जिसको कानून को लागू करने के लिए सरकार रैलियां कर रही है। आज तक 70 सालों में कानून बहुत बने, ताकि पहला कानून है कि सरकार को जनता को बताने की रैली करना पड़ रही। तो ऐसे कानून जो देश को बांट रहा है, जिसके संविधान को तोड़ने का काम कर रहा है, ऐसे संविधान को और ऐसे कानून को हम कानून को नहीं मानते। और संविधान जो हमारा 71 साल पुराना संविधान है, बाबा साहब का जो संविधान है, उस संविधान को ही हम मानेंगे। ये जो आज का धरना है, एक दिन ही है या आगे भी चलेगा? लगातार चलता रहेगा, जब तक बुरहानपुर की जनता चाहेंगी तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। वी 24 तास के लिए अनिल सोहले, बुरहानपुर।